पंजाब विच अज चारे पासे अरूसा आलम होई पई है। अते खासकर कांग्रेस पार्टी दे जो नेता जा विधायक ने उन्हां दा गुस्सा जिथे कैप्टन साहब ते फुट रहा उहदे नालों किते वध अरूसा आलम ते फुट रहा। हुण हलका घनौर तो कांग्रेसी विधायक मदन लाल जलालपुर ने भी अरूसा आलम दे खिलाफ तिखे तेवर दिखाए ने। उन्होंने कहा है कि अरूसा ने जो पंजाबियों दे नाल दगा कमाया वह उसनू जरूर भुगतना पैना। नाल ही होर भी कई पंजाब कांग्रेस के मुद्दे से जलालपुर ने चानना पाया कि है मदन लाल जलालपुर ने आओ सुन दिया। इन्होंने किया भी है, मैं कहना दो तीन साल कैप्टन बहुत वधिया काम किए, बड़ा काम किया पंजाब का, सानू पैसे कैप्टन साहब ने दिते हैं, असं अज कि उन्होंने उल्ट बोल सकते हैं। पर जदों उन्हें कि मजबूरी हो गई, उन्होंने रिमोट बीजेपी को चला गया, अमित शाह को मोदी को, उस तो बाद जो कांग्रसी एम एल ए कांग्रसी वजीर से जोड़े कांग्रेस के वफादार सिपाही से उन्होंने पिछे कर गया, अफसर ने राजभाग संभ लिया। जो अफसर ने राजभाग संभालिया तो तुम्हें पता ही है फिर सरकार किमें चल गई, तो बीजेपी चला रही थी। इस करके जो कांग्रेस में निराशा पैदा हुई, पर निराशा दूर हो गई जो कैप्टन साहब ला के नवा मुख्यमंत्री बने। देखो सिद्धू साहब बहुत वधिया इंसान आ, मेरी पसंद ने सिद्धू साहब, मैं अपनी पसंद आ सिद्धू साहब। क्यों? नौजवान वो बंदे ने वर्ल्ड से उसका ना है बंदे का, जो मैं हूँ पिछे वे जाने का मौका मिले यूपी के, मैं कहना इन्ना तो पंजाब का ना नहीं जिन्ना बाहर ना है। लोग दुनिया कोठे ने खड़ खड़ देख रही थी, पिंड पिंड बाहर निकले थे, जिम्मे कहते भी घर घर च ही नहीं बंदे कदर नहीं जी, बाहर कदर होंगी है। इस करके सिद्धू साहब बहुत बड़े इंसान ने, पंजाब के कांग्रेस पार्टी का चेहरा अजो अज उन्होंने देखो मुख्यमंत्री तो बाद की होंगे, पहला प्रधान होंगे, प्रधान व्डा होंगे, मुख्यमंत्री छोटा होंगे, एड्डा बड़ा अहुदा सिद्धू साहब को दिया। सिद्धू साहब वधिया अज सारी अपनी जथेबंदी कायम कर लगे और पंजाब में वधिया कांग्रेस में बुलंदियां ते पहुंचाएंगे। रूसा बारे तो कहना अच्छा बहुत आवाज उठी उन्होंने, देखो रूसा मैडम ने जो कराया वह भरूगी, इतने रब के घर देर नेर नहीं है। मदन झूठ बोल सकता, मदन सारा कुछ कह सकता, पर रब ने सारा कुछ देखा भी रूसा मैडम ने पंजाब का की नुकसान कराया, कि पंजाब का पंजाब में किमें लुटिया, किमें लुट लुट के बाहर लेके गई है, वो भुगतूगी सारा कुछ। जांच होनी चाहिए, कैप्टन अमरिंदर की जांच होनी चाहिए। देखो जांच तो मैं कहना जिनी भी पंजाब के शराब माफिया होया, इंडस्ट्रिया चो शराब निकल गया, प्राइवेट फैक्ट्रियां लगियां मेरे हल्के जो ही लगियां, इन्हां दी एक एक जांच होनी चाहिए। जिन्हां बंदे ने फैक्ट्रियां लाइया कितों समान आया, कौन लेके आया, किदे गड्डियां च आया, उन्हां बंदियां नूं नंगा करना चाहिए पब्लिक के सामने, और उन्हां बंदियां दे परचे दर्ज करके जेलां सुटना चाहिए, और दोबारा कोई ऐसी गलती ना करन। परचे कितने हुए हैं जिन्होंने किसी ने लैके शराब खरीदी है, जिन्हें बने वो कितने गए, उन्हें किसी ना तो नहीं है। अज साडे पंजाब दे विच सारियां फैक्ट्रियां चों शराब निकलती रही है, चोरी होंदी रही है। साडे इत्थे जिहड़े दो नंबर दा धंधा चलदे सी फैक्ट्रियां वाले शराब कढ़दे सी, इक जिद्दर इक दूजे जिद्दर, किसी नूं की पता शराब कित्थे बन रही है। जिन्हां बंदे ने शराब बनाई है सब तो वड्डे ओह गुनाहगार ने, और किहड़ा किहड़ा अफसर उहनां नाल सी, किहड़ा किहड़ा एक्साइज़ दा अफसर सी, किहड़ा पुलिस दा अफसर सी, बिना पुलिस तों बिना एक्साइज़ तों इक बोतल भी किसी जिले च नहीं बिक सकदी। जे कहो ना कोई एम एल ए शराब खा दूगा, एम एल ए तां बदनाम कर रहा पंजाब च, रेता किन्ने काम कर पुलिस ने, तो बदनामी की हुई एम एल ए की।